हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी को लेकर बात करेंगे। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ साथ इस सारी कंपनी का स्टॉक अभी बहुत ही अच्छा वैल्यूएशन के अंदर भी मार्केट में मिल रहा है। और सबसे मेन पॉइंट है कि सारे कंपनी के स्टॉक में बड़े प्लेयर एंटर किया है, चाहे बोलिए वो DII, चाहे बोलिए वो FII या प्रोमोटर, किसी ना किसी कंपनी के स्टॉक में बड़े प्लेयर एंटर किया है, वो भी मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। भी सारे कंपनी का पास डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में भी ये सारे कंपनी इन्वेस्टर को बहुत ही एक्सीलेंट रिटर्न बनाकर दे सकता है। बट ये किसी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए इस वीडियो को बनाया है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का डीप रिसर्च जरूर करें, अच्छी तरह से रिसर्च करें, या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट जरूर करें जो सेबी रजिस्टर्ड है। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड। तो चलिए जल्दी जल्दी सारे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानते हैं, फाइनेंशियल के बारे में जानते हैं और टेक्निकल के बारे में भी जानते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अगर पॉसिबल हो तो विदाउट की वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाती तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। एंड सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन अगर आप सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सीलेंट कंपनी है अपनी इंडस्ट्री में, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। शेयर प्राइस अभी मार्केट में 267 रुपीज पे चल रहा है। रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन ट्रेडिंग इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेटर गैस एंड प्रोवाइडिंग कॉम्प्रेहेंसिव सॉल्यूशन फॉर रेस्पॉन्सिबल कोल प्रोक्योरमेंट एंड डिस्पोजल। एक्चुअली दोस्तों, रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड रेफ्रिजरेटर गैस, जो रेफ्रिजरेटर में गैस लगता है, उस तरह के गैस मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व है। एंड साथ साथ रिफेक्स लिमिटेड कोल प्रोक्योरमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। दोस्तों, मतलब रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक है, जिसका डिमांड फ्यूचर में बढ़ने वाला है, कम होने वाला नहीं है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। देखिए, जस्ट कंपनी 3000 करोड़ का कंपनी है। देखिए, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है। इधर से मार्केट साइज अगर डबल भी हो जाए, ज्यादा नहीं, अगर 6000 करोड़ भी चला जाए तो इन्वेस्टर का फंड हंसते हंसते डबल हो जाएगा। 30 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है। देखिए कितना सस्ता वैल्यूएशन के अंदर अभी मार्केट में अवेलेबल है। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि कंपनी का इंडस्ट्री भी देखिए 37 और कंपनी का पी कितना 30। अगर इधर से पी 40 या 45 पे भी चला जाता है तब भी रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों 20% क्रॉस कर गया है। इस साल कंपनी ने 101 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ईपीएस की बात करो 9 चल रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ ईपीएस के अंदर भी देखने को मिल रहा है क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है ऑन ईयर बेसिस। इसीलिए डेट 215 करोड़ का है, बहुत ही लोडेड कंपनी, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 0.46 चल रहा है, इसीलिए लोडेड कंपनी बन जाता है, जो कि 1 से काफी नीचे। प्रोमोटर के पास 57% से ज्यादा का शेयर है। बड़े इन्वेस्टर बहुत अच्छा खासा शेयर होल्ड करके रखा है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। देखिए FII इज होल्डिंग, देखिए 0.29% स्टेक होल्ड किया, पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया है FII ने। पब्लिक के पास देखिए 42% स्टेक है। सबसे मेन पॉइंट, प्रोमोटर इस क्वार्टर में अच्छा खासा स्टेक इंक्रीज, ऑलमोस्ट 2% स्टेक को इंक्रीज किया है। पहले तो 55% था, इस क्वार्टर में 57% हो गया है। बट रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर एक नेगेटिव पॉइंट है, वो भी मैं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि प्रोमोटर ने किसी के पास 24% से गिरवी रखा है, प्लेज्ड करके रखा है। ये डेटा मुझे नेगेटिव लग रहा है और मैं इस कंपनी को इसीलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंपनी का जो बैलेंस शीट में धार है वो भी मिनिमल सा है, प्रोमोटर ने स्टेक इंक्रीज किया है, FII ने भी स्टेक इंक्रीज किया है, इसीलिए ये डेटा मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, इसीलिए मैं रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कंसीडर किया 24% प्लेज होते हुए भी। अच्छी तरह से स्ट्रॉन्गली नजर रख के इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। किस क्वार्टर में क्या कुछ डेटा चेंजेस हो रहा है या अगर आप वॉच में रख सकते हैं तो आराम से इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस कंपनी से दूर। रिटर्न ओवर द 3 ईयर्स 108%, ओवर द 5 ईयर्स 74%। देखिए रिटर्न का बारिश हो रहा है और नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मुझे लगता है ये रिटर्न का सिलसिला चलता ही जाएगा। थोड़ा बहुत प्राइस परसेंटेज जो इस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन रिटर्न तो कंटिन्यूअसली मिलेगा, बिजनेस ये कह रहा है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोनों ही ऑलमोस्ट 30% से ग्रो हो रहा है कंपनी का बिजनेस, सेल्स ग्रोथ बोलिए चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ बोलिए, तो बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है रिफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बिजनेस। सब डेटा ये कह रहा है।
चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल कितना फैंटास्टिक दिखिए, देखिए काफी दिनों से स्टॉक ऑलमोस्ट एक ही रेंज के अंदर घूम रहा था। देखिए इस रेंज के अंदर स्टॉक काफी दिनों से घूम रहा था, लेकिन स्टॉक के अंदर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया। देखिए इस बॉक्स से बाहर निकल के ब्रेकआउट दे दिया है और वॉल्यूम के साथ कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। लेकिन स्टॉक निचली लेवल से बहुत अच्छा खासा रैली दे चुका है, ऑलमोस्ट 133% ऊपर जा चुका है नीचे से। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर स्टॉक एक बार 245 या 240 के लेवल पे मिल जाता है तो डेफिनेटली एक फ्रेश ब्राइंग हो सकता है रिफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड में, उससे पहले नहीं। वॉच में रखिए, जब भी बड़ा डीप आए तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग है। देखिए ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ ऊपर गया है स्टॉक, इसीलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट कंपनी का नाम है ईएमएस लिमिटेड। इससे पहले भी मैं इसके ऊपर काफी वीडियो बना चुका हूँ, आज भी बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत बढ़िया कंपनी, हमने इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर है ईएमएस लिमिटेड। अभी शेयर प्राइस 824 रुपीज पे चल रहा है, मैं तब से वीडियो बना रहा हूँ जब शेयर प्राइस 400-450 पे चलता था, और आज तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। लेकिन अभी भी बहुत अच्छा खासा मौका है ईएमएस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करके इस प्राइस से भी डबल करने की फंड को, ठीक है, ये बहुत मौका है। ईएमएस लिमिटेड एक्चुअली ईपीसी कंपनी है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है और पूरी तरह से वाटर के सेक्टर में कामकाज करता है। और ये वाटर सेक्टर इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है, ये सेक्टर ग्रो कर रहा है, पूरे गवर्नमेंट का फोकस ही इस वाटर सेक्टर में है, और आने वाले 10-15 साल ये वाटर सेगमेंट ग्रो करता ही जाएगा। और ईएमएस लिमिटेड इस सेगमेंट में पूरी तरह से लीडिंग प्लेयर है। वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ये सब के ऊपर ईएमएस लिमिटेड कामकाज कर रहा है। मतलब कंपनी का बिजनेस जो है वो पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, जो आगे चल के मुझे लगता है इन्वेस्टर को बहुत बड़ा फायदा मिलेगा इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके। तो चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में झटपट जान लेते हैं। देखिए जस्ट 4500 करोड़ का कंपनी है, कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों, सिर्फ 4000 करोड़ का कंपनी है। अगर इधर से 10000 करोड़ भी चला जाए, 12000 करोड़ भी चला जाए, तो इन्वेस्टर का फंड तो 3-4 गुना हो ही जाएगा आराम से। 30 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है और पूरा इंडस्ट्री अभी 42 पे चल रहा है। देखिए अगर इधर से ईएमएस लिमिटेड का पी 50 पे भी चला जाता है तब भी ईएमएस लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा, क्योंकि पूरा इंडस्ट्री अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 43 पे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही 30% के आसपास चल रहा है, जो कि बहुत एक्सीलेंट रेशियो माना जाएगा। इस साल कंपनी ने 152 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है ईएमएस लिमिटेड। एंड ईपीएस की बात करो 27 चल रहा है, डेट कुछ है नहीं, 100% जीरो डेट कंपनी है। 70 करोड़ का डेट दिखा रहा है, फिर भी आप बोलेंगे क्यों आप डेट फ्री कंपनी बोल रहे हो, क्योंकि इधर में देखिए डेट टू इक्विटी रेशियो 0.09, जो कि जीरो डेट कंपनी इसको कंसीडर किया जाएगा डेट टू इक्विटी रेशियो देख के। प्रोमोटर के पास 69% शेयर है, कितना बढ़िया परसेंटेज से प्रोमोटर अपने कंपनी पे शेयर होल्ड कर रहे हैं। देखिए और बड़े इन्वेस्टर भी ईएमएस लिमिटेड को लेकर बहुत पॉजिटिव है। देखिए प्रोमोटर तो 69% स्टेक कंटिन्यूअसली मेंटेन कर रहा है, एफआईआई भी देख सकते 0.88% स्टेक होल्ड कर रहा है, एंड डीआईआई भी 1.58% स्टेक होल्ड कर रहा है, लेकिन डीआईआई ने माइनर सा स्टेक इंक्रीज किया है, थोड़ा बहुत स्टेक एफआईआई ने डिक्रीज किया है, एंड पब्लिक के पास 27% स्टेक है। ईएमएस लिमिटेड को लेकर बड़े इन्वेस्टर बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप प्रोमोटर, एफआईआई, डीआईआई इस तीनों के मिला के देखेंगे तो ईएमएस लिमिटेड का होल्डिंग मैक्सिमम बड़े हैंड्स के आप प्लेज्ड करके नहीं रखा है। पिछले 3 साल का सेल्स ग्रोथ 33% एंड पिछले 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 28%, माइंड ब्लोइंग परसेंटेज से ग्रो कर रहा है ईएमएस लिमिटेड का बिजनेस। एवरेज आप मान के लीजिए कंपनी का बिजनेस ऑलमोस्ट 25-28% से ग्रो कर रहा है, जो कि एक बहुत बढ़िया रेशियो माना जाएगा बिजनेस में। चलिए कंपनी का फंडामेंटल तो बहुत स्ट्रांग है, चलिए एक बार कंपनी का टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल भी कितना फैंटास्टिक दिखिए, स्टॉक मार्च 2024 से लगातार ऊपर ही जा रहा है, देखिए कंटिन्यूअसली तेजी बना हुआ है, और स्टॉक का रिसेंटली एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है। इधर में देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया है और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, 600 लेवल की पार गया है, इस 600 लेवल में ब्रेकआउट आया है। लेकिन स्टॉक ब्रेकआउट लेवल से ऑलमोस्ट दे चुका है, रैली दे चुका है 47%। थोड़ा सा रुक जाइए, अगर स्टॉक इस लेवल पे मिल जाता है, ये जो लेवल है 700 के आसपास या 720 इस लेवल पे अगर मिल जाता है ईएमएस लिमिटेड का, तो इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, उससे पहले नहीं। वॉच में रखिएगा,
जब भी मेजर गिरावट आए तो आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं ईएमएस लिमिटेड के अंदर। ये कुछ टेक्निकल मुझे लग रहा है। कंपनी का फंडामेंटल के साथ साथ टेक्निकल भी बहुत स्ट्रांग है, ऊपर की तरह भी ट्रेंड बना हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी की नाम बताऊं, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमार्ट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमार्ट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जानी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमार्ट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमार्ट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमार्ट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिल जाएगा। साथ साथ और एक फायदा दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट गाइड भी मिल जाएगा। जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों रुपये स्पेंड करते थे, ये सर्विस भी आपको मुफ्त में मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमार्ट अकाउंट ओपन कर लीजिए। एंड अगर आप मार्केट में कंटिन्यूअसली अपडेट रहना चाहते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है जानना चाहते हैं फ्री में, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी का नाम है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड, एक टेक्सटाइल बेस्ड कंपनी है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। शेयर प्राइस अभी 451 रुपीस पे चल रहा है। अपने इंडस्ट्री में पूरी तरह से लीडिंग प्लेयर है नितिन स्पिनर्स लिमिटेड। और टेक्सटाइल कंपनी को मैं क्यों चूज किया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है, जो दंगा चल रहा है, और इसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल्स मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश टेक्सटाइल मार्केट में वर्ल्ड टॉप 3 कंट्री के अंदर आता है। बहुत अच्छा परसेंटेज से टेक्सटाइल प्रोडक्ट बांग्लादेश से बाहर के कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। और बांग्लादेश में जो इशू चल रहा है, मुद्दा चल रहा है अभी, इसकी वजह से बांग्लादेश में पूरा बिजनेस जो बैठ गया है, और इसका पूरा फायदा इंडिया लेगा एक्सपोर्ट में टेक्सटाइल सेक्टर में। और नितिन स्पिनर लिमिटेड को मुझे लगता है इसका फायदा जरूर मिलेगा। एक्सीलेंट कंपनी है नितिन स्पिनर लिमिटेड। देखिए बिजनेस ऑफ यन कॉटन केंटेड फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग करता है नितिन स्पिनर लिमिटेड। 100% कॉटन ब्लेंडेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, डेनिम, बेडलाइन, टी बैग, टेरी टॉवल, इस सभी तरह का प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है नितिन स्पिनर लिमिटेड, जो कि बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है कंपनी को। देखिए जस्ट कंपनी अभी 2500 करोड़ का, एक स्मॉल कैप लेवल का कंपनी है, इसीलिए ग्रोथ पोटेंशियल आगे मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। ऑब्वियसली फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग है ही। स्टॉक का पी चलिए 17 पे, कितना सस्ता वैल्यूएशन पे मिल रहा है देखिए। और पूरा इंडस्ट्री अभी 30 पे चल रहा है, मतलब आधे कीमत पे नितिन स्पिनर लिमिटेड अभी मार्केट में मिल रहा है। इससे पी अगर 35 या 40 पे भी चला जाता है इधर से, तब भी नितिन स्पिनर लिमिटेड का वैल्यूएशन ठीक ठाक ही रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है और 10% से ऊपर चल रहा है। इस साल कंपनी ने 145 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया है। कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करूं 25 चल रहा है ईपीएस। ईपीएस के अंदर सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है। डेट की बात करूं 1339 करोड़ का डेट है बैलेंस शीट में। थोड़ा बहुत डेट ज्यादा है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 को थोड़ा बहुत क्रॉस कर गया है, इसीलिए नितिन स्पिनर लिमिटेड का डेट मुझे ज्यादा लग रहा है। बट इसको कंसीडर क्यों किया, क्योंकि सेक्टर का तो एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है नितिन स्पिनर लिमिटेड का, ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस इंक्रीज कर रहा है। तीसरा पॉइंट भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, कंपनी का जो कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो भी कंटिन्यूसली पॉजिटिव चल रहा है। ये तीसरा पॉइंट है। और ऊपर से इन्वेस्टर सेक्शन भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं। प्रोमोटर तो 56% स्टेक को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है। एफआईआई होल्डिंग देखिए 0.61% स्टेक होल्ड कर रहा है। डीआईआई होल्डिंग देखिए 14% से भी ज्यादा का शेयर होल्ड कर रहा है। डीआईआई ने नितिन स्पिनर लिमिटेड के ऊपर स्टेक को इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और पब्लिक के पास सिर्फ 27% स्टेक है, जो कि पब्लिक स्टेक को डिक्रीज किया है। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी इधर में डिक्रीज हुआ है देखिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में। दोस्तों नितिन स्पिनर लिमिटेड को लेकर बहुत अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, 4-5 पॉइंट बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए कंपनी का बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत डेट हाई होते हुए भी मैं नितिन स्पिनर लिमिटेड को इधर में कंसीडर कर रहा हूं इसीलिए। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। एंड किसी के पास एक भी शेयर प्लेज्ड भी करके नहीं रखा है। पास्ट 3 इयर्स इन्वेस्टर को 23% से रिटर्न बना के दे रहा है। फर्स्ट 5 इयर्स इन्वेस्टर को 51% से रिटर्न दे रहा है, मतलब रिटर्न भी जबरदस्त मिल रहा है नितिन स्पिनर लिमिटेड एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को। और ये रिटर्न का सिलसिला मुझे लगता है चलता ही जाएगा कंटिन्यूस। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 20% क्रॉस कर गए। नितिन स्पिनर लिमिटेड का जो बिजनेस है वो 20% प्लस से बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो कि बहुत एक्सीलेंट परसेंटेज होता है। दोस्तों फंडामेंटल वाइज नितिन स्पिनर लिमिटेड एकदम टॉप नॉच है।
चलिए एक बार जल्दी से कंपनी का टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। टेक्निकल कितना फैंटास्टिक, देखिए स्टॉक बहुत लॉन्ग टाइम के लिए ऊपर ही जा रहा है, ट्रेंड देखिए ना ऊपर ही चल रहा है और हायर हाई करके ऊपर जा रहा है। जो हाई को एक बार कर दिया है वो दोबारा उस हाई को टच नहीं कर रहा है, एक नया हाई बना रहा है। देखिए कंटिन्यूअसली हायर हाई करके ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम के साथ स्टॉक ऊपर गया है। टेक्निकल बहुत स्ट्रांग है लेकिन स्टॉक नीचे से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, थोड़ा बहुत रुक जाइए। स्टॉक अगर इस लेवल पे एक बार मिल जाता है, ये जो लेवल है 400 का लेवल, इस लेवल पे अगर स्टॉक मिल जाता है तो डेफिनेटली नितिन स्पिनर लिमिटेड में एक फ्रेश एंट्री लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये था तीनों स्टॉक जो मैं आज आप लोगों के साथ प्रेजेंट किए। इस तीनों स्टॉक में से आपको कौन सा स्टॉक सबसे बेस्ट लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपका ओपिनियन शेयर कीजिएगा। पर्सनली मेरा ओपिनियन, जिस तरह का कंपनी का फंडामेंटल, जिस सेक्टर से सारे कंपनी आता है, जिस तरह का टेक्निकल मेंटेन हो रही है, सब कुछ देख के मुझे तो ये तीनों स्टॉक बहुत पॉजिटिव लग रहा है। इस तीनों स्टॉक आगे चल के इन्वेस्टर को बहुत बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकता है। जस्ट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जाते जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर वन डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और डीमैट अकाउंट का एनुअल मेंटेनेंस चार्ज ये दो फ्री हो जाएगा। सिर्फ हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करके ये फायदा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।